हाथ हमर छोड़ के हाथ जहिया धरी हो भतर के तू हर रसरी से फसरी हलगा जहिया यार के तू। गुड्डू बाबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, छोटे से ही कोई बड़ा होता है। आज हम बलिया जिले के ठोही पाली गांव में आया हूं और यहां एक छोटे से गायक से आपको मिलवाऊंगा, जिनका नाम है अभय लाल यादव। तो दोस्तों, किसी का पहुंच अगर ऊपर तक है तो बड़ा हो जाता है, किसी का पहुंच ऊपर तक नहीं है तो फिर छोटा ही रह जाता है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे अभय लाल यादव जी से। इनका बहुत सारा रिलीज हो चुका है गाना अभी। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। सबसे पहले तो गुड्डू बाबा ब्लॉग चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, जितने भी भोजपुरी गीत संगीत को सुनने वाले या फिर हम लोगों को देखने वाले हैं, सबको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं व्यास अभय लाल यादव बागी बलिया की धरती से रहने वाला हूँ। आज हमारे दरवाजे पे और हमारे यहाँ आए हैं गुड्डू बाबा चैनल के मालिक, गुड्डू बाबा ब्लॉग चैनल के मालिक हमारे बड़े भैया अश्वनी तिवारी जी। और मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और जो भी गलतियाँ होती हैं या फिर जो भी त्रुटियाँ आप लोगों को दिखाई दे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो अभय जी, अभी जो आप गाना गा रहे हैं, कितना साल से गा रहे हैं? हम तो लगभग अभी मतलब एल्बम और स्टेज प्रोग्राम लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं, लेकिन गायकी जो है वो तो बचपन से ही है। बचपन से? हाँ, बचपन से गायकी करते आ रहे हैं। तो क्या आपके पिताजी भी करते थे ना, आप ही कर रहे हैं? नहीं, हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था जो कि गायकी करे। हम खुद अपने मतलब अभी नए से शुरुआत किए हैं जो करते हैं अभी गायकी। आपके मन में सबसे पहला ख्याल कब से आया कि आप गायकी पे चले आए? मन में तो ऐसा ख्याल जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तभी से हम कॉलेज में गाने लगे और संगीत से काफ़ी लगाव था छोटे समय से, और तभी से हम अपना ये निर्णय ले लिए कि नहीं, हमको गायकी ही करना है। अभय जी, सबसे बड़ा सवाल आता है कि देखिए, छोटे घर का होके भी अगर आप सिंगिंग करते हैं, अगर इसमें आपका पहुंच नहीं है तो आप छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। तो क्या आपके ऊपर कोई सपोर्ट है कि नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कार्यक्रम कर रहा है और घूम रहा है तो पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी लोगों से परिचय भी हुआ है और पहले की अपेक्षा हमको इस लाइन में लाभ भी मिल रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आगे चल के आदमी अगर स्ट्रगल करे और मेहनत करे तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर कर लेगा। सबसे पहला एल्बम आपका कब आया था? सबसे पहला एल्बम लगभग हमारा ये आज से 4-5 साल पहले देवी गीत का आया था। कौन सबसे गीत पहले था? हम देवी गीत गाए थे, वो तो ज़्यादा दिन हो गया, लगभग उतना याद नहीं आ रहा है, पर जरूर कुछ सुनाइए देंगे उसमें से। थोड़ा एक लाइन उसमें का सुनाइए। अभी मेरा एक गाना है जो कि मैं हर एक स्टेज प्रोग्राम में गाता हूँ, अभी काफ़ी अच्छा है और लोग उसे पसंद भी करते हैं, और ज़्यादातर मैं उस गाने को हर प्रोग्राम में गाता हूँ। जैसे ये है कि हे भीड़ा वाली हर सुमिरन में गीत से काफ़ी हमको प्रॉफिट हुआ है। ये गीत हम एल्बम में भी गा चुके हैं, मेरे चैनल से है और स्टेज प्रोग्राम में भी गाते हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग था आपका। तो सर, अभी आपका टोटल कितना एल्बम आ चुका है? अभी लगभग हमारा
गाना तो लगभग 40-50 आ चुके होंगे और एल्बम के माध्यम से 8-10 एल्बम आ चुके होंगे। कहाँ कहाँ तक जाते हैं आप प्रोग्राम करने के लिए? प्रोग्राम करने के लिए अपने बलिया में, बिहार में भी, छपरा बिहार, इधर गाजीपुर, मऊ अपने जिले में, 5-7 जिले में जाते हैं अभी लगभग। भोजपुरी में जो अदर स्टेट के लोग हैं या अपने यहाँ भी जो शिक्षित लोग हैं बोलते हैं कि बहुत अश्लीलता है, आप इस पर क्या बोलेंगे? हाँ, अश्लीलता तो आज हो चुकी है कुछ गायकों की वजह से और कुछ श्रोता लोगों की वजह से, लेकिन इसमें कसूर ना ही हम गायक को ठहराएंगे और ना ही श्रोता लोग को, समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, क्योंकि गायक एक बुरा नहीं हो सकता है, गायक उसी चीज़ को गाता है। अब जो स्टूडियो में गाने वाले लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम करते हैं, स्टेज मंच करते हैं, तो हम लोग बहुत ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ के लोग अश्लील गाने के लिए या फिर गलत जो भी गाने हैं उनके लिए लोग खुद जो है कि डिमांड करते हैं कि हाँ आप ऐसे तो, गाना को गाइए। सर डिमांड तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर कोई गायक गाता है, कोई लेखक लिखता है, तभी तो गाना मार्केट में आता है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छे गीत भी तो मार्केट में आते हैं ना, लेकिन अब जो भी सिंगर हैं वो ये नहीं चाहता है कि हमारा करियर बर्बाद हो या फिर हमारा लगाया हुआ पैसा या फिर बजट नुकसान हो उससे। नहीं सर, सर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जितने भी गायक बड़े हुए हैं, अगर आप पवन सिंह का देखेंगे, खेसारी लाल यादव का देखेंगे या रितेश पांडे का देखेंगे, सभी का एक जो पहला गाना है दूसरा गाना हिट हुए हैं तो गंदे गाने से ही हुए हैं, कड़ुआ तेल। ठीक है, ये तो अच्छा है वो गंदे गाने से हिट हुए हैं, लेकिन अब अभी भी अगर गंदे गाने गाते हैं तो ये उनकी गलती है, क्योंकि आप मार्केट में आ चुके हो, आपको लोग जान चुके हैं, अगर आप अच्छे गाने भी गाएंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे या फिर देखेंगे, अब इसके बावजूद भी आप गंदे गाने गाते हैं तो ये आपकी गलती है। एक थोड़ा और दूसरा गाना सुना दीजिए आप। और जो नए लड़के हैं वो तो भाई मार्केट में आने के लिए गाएंगे ही, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा अश्लील गीत हो, ताकि घर पे सब लोग सुनते हैं, माँ बहने हैं, हम लोग भोजपुरी की जो सभ्यता है और भोजपुरी का जो गीत संगीत है उसमें अश्लीलता अच्छा नहीं है। और अब आप एक थोड़ा सा एक गाना सुना दीजिए जो आपका सबसे ज़्यादा सुपरहिट गाना रह चुका हो। अभी मेरा एक सॉन्ग है जो कि मेरे चैनल से है और स्टेज पे भी मैं गाता हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे दोस्तों को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक करते हैं। जैसे ऐसे गाना है, वो सैड सॉन्ग है, ऐसे मेरा एक गाना है जो कि यूट्यूब पे है, सैड सॉन्ग है, जैसे लड़का अपनी वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे बोलता है कि गाना है जो कि YouTube पे काफ़ी चलता है और काफ़ी लोग इसको पसंद किए हैं और सुनते भी हैं। आपका गाना सुन के तो बहुत मज़ा आता है, मन तो नहीं कर रहा है कि आपको बोला जाए कि बंद करिए अब, लेकिन तो सर एक और सवाल पे आ जाते हैं। अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है पवन सिंह और खेसारी का विवाद। पवन सिंह स्टेज शो कर रहे थे, उसमें कुछ इधर उधर का बात बोल दिए, खेसारी भी आए बाद में, वो भी लाइव आके बोल दिए, उसके बाद रितेश पांडे आए, वो भी आके बोल दिए, दिनेश लाल यादव भी आए, तो इस पे आप क्या सोचते हैं और क्या विचार रखना चाहते हैं? अब इस पे तो हम अपनी सोच के अनुसार और अपनी बातों के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो तो गलत है, एक कलाकार को एक कलाकार के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ऐसा व्यवहार अगर होता भी है तो ये लोग जो मीडिया के थ्रू और लाइव के थ्रू, वीडियो के थ्रू जो ये बातें आकर के बोल रहे हैं, ये सब पर्सनल बातें हैं। अगर कोई भी सिंगर हो, अगर गलत कार्य कर रहा है या फिर उससे गलती हो जा रही है, तो आप पर्सनली उससे मिल के या फिर उससे जाकर बोल सकते हैं। अब जनता को दिखाने के लिए या फिर जनता के बीच में ही बोलेंगे, ये कौन सी बात है?
आपकी मन की बात आप वीडियो में, हम कई वीडियो को देखे हैं जिनमें लोग गलत गलत शब्दों का भी प्रयोग किए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, हम इन लोगों को दोषी बोलेंगे कि आप पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, तो आपको भी ये समझ होनी चाहिए कि हम वीडियो के थ्रू गलत शब्द का भी उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा गलत शब्द नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है, कोई भी सिंगर हो, बड़ा हो या छोटा हो, अभी उस पर क्या है कि सभी लोग आके कमेंट कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उस पर गाना भी बन रहा है। आप क्या उस पर आप भी कोई गाना बना के रखे हैं कि नहीं? नहीं, गाना बनाने का तो कोई भी सिंगर बना सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो विवाद को देखिए, जितना हम बढ़ाएंगे ना उतना उससे परेशानी होती जाएगी। विवाद को जितना बढ़ाएंगे उससे आगे चल के परेशानी भी होगी, तो ये कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, ये जो पर्सनली ये व्यक्तिगत मैटर है, आपसे हमारी कोई दुश्मनी हुई है चाहे उन लोगों से है, तो आप उसको व्यक्तिगत मिल के या फिर एक दूसरे के सामने होकर इस बात को आप बता सकते हैं या फिर कह भी सकते हैं। तो आप मीडिया के थ्रू या फिर जनता के बीच आके ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अपना पर्सनली मैटर जो है, घर का मैटर जो है, ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना। आप आके लोगों के बीच ये सब बोल रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे। सर, आप एक बार अपने चैनल का थोड़ा नाम बताइए कि क्या नाम है। हाँ, मेरे चैनल का नाम व्यास अभयलाल यादव ऑफिशियल है, यूट्यूब चैनल व्यास अभयलाल यादव। व्यास अभयलाल यादव ऑफिशियल, हाँ यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसपे मेरा सारा गाना सुनने को देखने को मिलेगा आपसे। तो दोस्तों, अगर आपको इनका वीडियो देखना हो या गाना सुनना हो, तो आप अभयलाल यादव ऑफिशियल पर यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इनका गाना दिखाई देगा। सर, जाते जाते एक गाना और आप सुना दीजिए। मेरा एक गाना है तो काफ़ी अच्छा लगता है, औरत जो है अपने पति से बोलती है कैसे, अरे कि जोहर खिया दी फसरी लगा दी चाहे मुआ दी मारी के, अरे जोहर खिया दी फसरी लगा दी चाहे मुआ दी मारी के, छोड़ दी सैया मोर कलैया नो हो नैया लिखल हो यार के, छोड़ दी सैया मोर अरे कलैया नो हो नैया लिखल हो यार के, जहर खिया दी फसरी लगा दी चाहे मुआ दी मारी के, जहर खिया दी फसरी लगा दी चाहे मुआ दी मारी के, छोड़ दी सैया मोर अरे कलैया नो हो नैया लिखल हो यार के, छोड़ दी सैया मोर अरे कलैया नो हो नैया लिखल हो यार के। ऐसे गाने, काफ़ी गाने हैं जो कि चैनल से हैं, और आने वाले भी कुछ नए नए गीत हैं। अभयलाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन चलते हैं, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और अभयलाल यादव जी का अगर कोई भी आपको गाना पसंद आया हो तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे छोटे सिंगर को भी आपका काम है आगे बढ़ाना, बड़े वाले सिंगर तो बढ़ ही चुके हैं, आप इनको भी आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।